हमने देखा कि जब तीन कृषि कानून आए तो अवधीश भाई को भी याद है कि सारे लोगों से कहा गया भाई इस कृषि कानून के अच्छे पहलू बताओ, तो लड़ गए सब, बोले इससे बेहतर कुछ नहीं। मैं उसकी मेरिट भी डिमेरिट पर नहीं जा रहा, मैं लोकतंत्र के की तासीर को व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहा हूं। जिस क्षण ये लगा कि ना गुरु गले में बोझ हो गया, क्या 30 सेकंड में 30 सेकंड में प्रधानमंत्री जी को इतना ही तो बोलने में 30 सेकंड लगे कि हम इन तीनों कानूनों को वापस लेते हैं, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता क्या। 3 साल से तर्क दे रहे थे सब लोग क्या कि यही हम ही अस्तो कि अगर कहीं धरती पर कश्मीर स्वर्ग है तो यही है हम ही अस्तो क्या। वो सब बोले ना ना बिल्कुल बेकार कानून है, हटा दिया, हम तो पहले जानते थे। इसलिए हमने जन्नत की हकीकत देखी है। इसीलिए मैंने कहा राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी चीज सरकार है, विधानसभा में लोकसभा में बहुमत है, बाकी योजनाएं तो आती जाती रहती हैं। जोशी जी गलत बात तो नहीं कहेगी, जिस दिन ये समझ में आ जाए कि ये योजना हम पर भारी क्या, बोले योजना तुरंत हटाओ, इसके कतई नामो निशान नेस्तनामूद कर दो, नहीं ऐसे उदाहरण मैं हर पार्टी की सरकार के दे दूंगा। जिस योजना से उनको लगा कि गुरु इस योजना ने तो डुबो दिया, बोले बंद कर दो तुरंत, इसके बिल्कुल अपोजिट वाली लाओ। जोशी जी, अमिताभ जी, जैसा कि आपने आज कहा है ये खिड़की खुली है, और मैं कहूंगा इससे बड़ा शब्द की जाम वाली खिड़की खुली है, और जो जाम वाली जो खिड़की खुलती है वो एक हाथ से नहीं खुलती है। अगर हम विपक्ष के लोग अकेले वाहवाही लें, समाजवादी पार्टी अपनी अकेले वाहवाही लें, मुझे लगता है हम लोग न्याय नहीं कर पाएंगे। मैं आज गवाह इस बात का हूं कि मैं तीसरी डिबेट में OPS के TV9 के और हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ जी भाई के शो में बैठा हूं, और आपने इस मुहिम को जो पहना पन दिया, मैं आपको साधुवाद, आपके चैनल को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और रही बात आज आपने जो आज देश में स्वघोषित आपातकाल स्वघोषित अमृतकाल चल रहा है, तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि पहले जब अमृतकाल नहीं था देश में तो पेंशनें लगातार कर्मचारियों को मिलती रही, लेकिन आज तो अमृतकाल है, आज तो पेंशन के अलावा भी कुछ मिल सकता है, क्योंकि भाई देश की 5वीं अर्थव्यवस्था जैसा सरकार कह रही है बन गई है। तो आज कर्मचारियों को वो सुख नहीं मिल पा रहा जो पहले मिलता था, तो ये तो तटघरे में है अमृतकाल देश का किस प्रकार का चल रहा है। तो मैं आपकी भावना से जो आपने आज पूरा डिबेट का निचोड़ अमिताभ जी आपने दिया, मैं आपको पुनः पुनः जितनी बार आज साधुवाद को कम करूं, शॉर्ट शब्दों में आपने जो संदेश दे दिया आज के डिबेट का निचोड़ ये है कि देश की आप एक तरफ से बोलते हो कि 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई और तीसरी बनाने का संकल्प आपने ले रखा है, तो ये कर्मचारी कहाँ के हैं, ये भी तो भारत के ही नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, तो ये उनके साथ जस्टिफाई ये सरकार कब करेगी। हम और आप तो अपनी आवाज को उठा ही रहे, और हम लोग जब तक आखिरी व्यक्ति को इसमें जस्टिफाई नहीं मिलेगा समाजवादी पार्टी वहां खड़े। अवनीश पटेल जी, एक बड़ा मैंने जब भी पेंशन पर बहस की, अनगिनत बहसें की, तो मैंने उस विषय को जरूर छुआ जिसको अभी विजय बंधु ने भी उठाया था। मेरा हृदय अंदर से द्रवित हो जाता है, आंख भर आती है जब मैं देखता हूं कि गरीब का बच्चा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है, ITBP में है, BSF में है, CISF में है, वो शहीद हो जाए तो वो पेंशन का हकदार नहीं। जी रहा है, चलो रिटायर हो जाए, कुछ आके कर लेगा, मान लीजिए शहीद ही हो गया। हम ऐसा क्यों, ऐसा इतना दरिद्र है क्या, हम इतने गरीब हैं, ऐसा तो नहीं है। सांसद विधायकों का के कुर्ते में कलफ तो कम नहीं हुआ, देश गरीब रहा चाहे अमीर रहा, यह हुआ कभी? उनकी कैंटीन में कभी टोस्ट बिना मक्खन के मिला क्या? नहीं। उनके गाड़ी घोड़े में कभी कमी आई? नहीं। फिर गरीब का बेटा, किसान का बेटा अर्धसैनिक बल में है, उसकी जिम्मेदारी उठाने कोई देश तैयार नहीं क्या? पटेल जी,
हम उसको ये ब्रोशर पढ़ाएंगे उसकी विधवा को कि नहीं एनपीएस को समझो, इसमें बड़े बड़े विद्वानों ने ये लिख के दिया कि एनपीएस बहुत अच्छी है। ये तो तर्क ठीक नहीं। अवनीश जी, अमिताभ जी देखिए, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ जिस तरह से आप इस मुद्दे को संवेदनशीलता में ला दिए, पर आपकी बातों को सुनकर किसी की भी आंखों में आंसू आ सकते हैं। वन रैंक वन पेंशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही दिया है। और जहां तक रही इन सारी, मैंने कहा ना कुछ विषमताएं आ गई चीजों में, विषमताएं आ गई एग्जीक्यूशन में, विषमताएं आ गई जो सरकारों ने उस पे ध्यान नहीं दिया उन चीजों पे, उस वजह से जो विषमताएं, उसकी वजह से एनपीएस और ओपीएस का। और निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 30 सेकंड में किसान कानून खत्म कर दिए, तो 30 सेकंड में किसान कानून खत्म करते हुए उन्होंने कहा कि कानून अच्छे थे, हम जनता को अपनी बात समझा नहीं पाए। और उसके बाद अनेकों अनेक जो एग्रीकल्चर के लोग थे, शिक्षाविद थे, उन्होंने उन कानूनों की जब समीक्षा करना शुरू किया तो उन्होंने लगा कि नहीं, ये कानून भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे थे, जरूरी थे। तो ऐसे ही कल को कोई जल्दबाजी का निर्णय। दूसरा एक बड़ी बात यह है कि एनपीएस आने के साथ साथ जब हमने सेवेंथ पे कमीशन लागू करने से पहले जो तनख्वाहें 30,000-25,000 रुपये हुआ करती थी, वो सैलरी 80,000 तक पहुंची। कल्पना ये थी उसके पीछे, जो मैं समझ पाता हूँ, कल्पना वो थी इसके पीछे, जिस तरह से एक प्राइवेट नौकरी करने वाला व्यक्ति अपनी सैलरी उतनी पाता है, उस लेवल पे उसकी सैलरी लेके आई जाए, और उसके साथ साथ उसकी जो बचत की स्कीम्स हैं, सरकार की बचत की स्कीमों के साथ साथ अपनी प्राइवेट स्कीमों की बचत में लगा के उस चीज़ों को, अपने पैसे को उस तरह से आगे बढ़ाता रहे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मुझे लगता है जब निश्चित तौर पर जब आप ये कहेंगे किसी से भी कि आपको पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, निश्चित तौर पर मेरा भी यही मत होगा आपके साथ कि हाँ, पेंशन जरूर मिलनी चाहिए। जो व्यक्ति सेवा में रहता है, सेवा काल के बाद उसकी चिंता उसकी सरकार को ही करनी चाहिए। मैं आपके साथ इसमें 100% सहमत हूँ, लेकिन एनपीएस के बाद एक मिनट पुरानी पेंशन स्कीम, एक मिनट रुके, एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, मजदूर, किसान, गरीब, इनसे कोई रेफरेंडम कराना बहुत कठिन काम है क्योंकि असंगठित हैं, ठीक। कर्मचारी तो सब ऑनलाइन है, देश भर का, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो। ऐसा फैसला जब आप लोग पार्लियामेंट में या विधानसभा में बैठ के कर लेते हो गुपचुप गुपचुप, उससे पहले रेफरेंडम क्यों नहीं करा लेते हो? क्यों नहीं, यानी सिर मत हिलाइए मित्र, क्यों नहीं हो सकता रेफरेंडम, मुझे बताइए ना, क्यों नहीं हो सकता रेफरेंडम? ये मैं समझ ही नहीं पा रहा। आपने इतना बड़ा शिफ्ट किया भारत ने कि पुरानी अर्थव्यवस्था, पेंशन व्यवस्था जिसमें दशकों से भारत रचा बसा था, आपने उसको खत्म किया और बोले अभी नई व्यवस्था देंगे, तो इसमें पूछा नहीं जाना चाहिए था क्या? ये मान लिया जाए कि नहीं, जो कह दिया वो फाइनल, बोले जाओ बना दिया कानून। आप कह रहे हो 20 साल से व्यवस्था नहीं सुधार पाए उसमें, और मैं कह रहा हूं 20 साल से कर्मचारी ने मन से इसको स्वीकार नहीं किया, 20 साल से आंदोलन में, फिर योजना कैसी क्यों चले, ये प्रश्न है ना। अगर 20 साल से आप कर्मचारी को सहमत नहीं करा पाए तो उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। अभी हरकिशोर तिवारी बता रहे थे, विजय बंदूक पास भी उदाहरण है, किसी को 600 रुपया मिला, किसी को 800 रुपया, किसी को 1200 रुपया। इतनी अच्छी पेंशन व्यवस्था है ये, इसको लोकसभा विधानसभाओं में तुरंत लागू करिए, विधान परिषदों में। और जो पोस्टमैन है, प्राइमरी स्कूल में टीचर है, उसको वही पुरानी दे दीजिए जो आपकी दृष्टि में गई गुजरी व्यवस्था है खराब, वो खराब में मस्त है। विजय बंधु जी, ठीक बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही कहा सर। यहाँ दो बातें होती है, एक तरफ हम तीसरी अर्थ महाशक्ति बनते हैं, आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, तो जब आर्थिक महाशक्ति बन रहे तो हम भी दूसरी पार्ट हैं, तो हमारा उसमें भाग नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जब पेंशन देना होता तो कहते हमारे पास पैसे नहीं है। दो तरह की बातें, दो विसंगतियों में किया जाए। दूसरी चीज सर, अब देखिए 20 साल हो गए हैं, अब ये नहीं कह रहा कि एनपीएस में क्या है, ओपीएस में क्या है। सर आज उदाहरण है,
700, 800, 1500, 1200 रुपए मिल रहे हैं, ये उसी एनपीएस के आपकी व्यवस्था से निकल के आ रहे हैं, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। आप उनसे मिल लीजिए, मैं तो अवनीश भाई से कहता हूं कि आप चाहिए तो लखनऊ में 20-50 को हम आपके साथ बैठा दें, जिनका 800 मिल रहा है, 1200 मिल रहा है। और मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश लोक भवन सचिवालय की बात मैं करूं, अभी मैं एक दिन सचिवालय गया तो 2-3 लोग वहां मिल गए, कहें सर हमारा तो 2.5-3 लाख रुपए जमा हुआ एनपीएस में, वो भी नहीं मिला, पेंशन भी नहीं मिली, अब तक पता नहीं चल रहा क्या हो रहा। ये मुख्यमंत्री लोक भवन की कार्यालय की बात बता रहा हूँ, 3-4 लोग मिले और वो भी उसी तरह वंचित हैं, कैसे क्या होगा। तो अब ये सवाल नहीं है, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि आपकी डबल इंजन की सरकार है, माननीय मोदी जी वहां पर, योगी साहब यहाँ पे हैं, और योगी और मोदी साहब अगर मिल जाएं और बात कर लें तो एक पूरे देश के लिए एक नजीर पेश हो जाए और केंद्र सरकार इसको लागू कर दे। अब कितनी दिन और संघर्ष करना होगा, कितना दिन और आंदोलन करना चाहते हैं और कितना कराना चाहते हैं, ये भी एक विषय है, और उससे भला देश का नहीं है। मैं इस बात को, अगर एक शिक्षक, एक सफाई कर्मचारी, एक डॉक्टर, एक नर्स अगर इस टेंशन में है कि हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, तो उनके कहीं न कहीं सेवा भाव में उनको भी कहीं न कहीं तकलीफ पीड़ा रहती है। ठीक है विजय बंधु, रुकना होगा। हरकिशोर तिवारी जी, मसला वही आकर खड़ा होता है कि भाई अभी योजना के कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं, योजना अच्छी है, ठीक। मुझे लगता है कि राज्यों में संघर्ष से ये राज्य मान भी जाएं, उससे कोई तात्विक फर्क नहीं आएगा। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है वाला भाव तो है कि वे राजस्थान ने घोषणा कर दी, पंजाब ने कर दी, हिमाचल ने कर दी, लेकिन जब तक केंद्र की स्वीकृति नहीं होगी, केंद्रीय स्तर पर कानून नहीं आएगा, तब तक चूंकि जो जमा है पैसा वो राज्यों को मिलेगा नहीं बिना केंद्र की अनुमति के, तो कोई भी राज्य सरकार, वो उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, पेंशन दे ही नहीं पाएगी। तिवारी जी, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें असर पड़ता है, जैसे स्टेट बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश अपना है, इसी तरह के अगर प्रयास सारे प्रदेशों में करेंगे लोग, इसी टाइम पे भी इलेक्शन के टाइम पे आपने देखा कि 2018 में बड़ी हड़तालें की हम लोगों को दिल्ली पे, 14% सरकार ने किया था, 10 से 14% बढ़ाया था, तब सब लोग लगे थे इसमें, और ये उत्तर प्रदेश में ही चुनाव था उस टाइम पे, तब उन्होंने ही कराया था कि भाई चलिए 14 करके हम देख लेते हैं क्या होता है, हम लोगों ने फिर आंकड़े देख 14 में कोई भला हमारा नहीं हो रहा है, हमारा पैसे ही ठीक से नहीं लगाया जा रहा है, तो ये बराबर चलता रहना चाहिए। लेकिन केंद्र ने भी पहल तो की, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि वो अभी पहल के आगे नहीं आ रही है, एक छोटा सा आदेश उन्होंने एक साल पहले कर दिया जब हड़तालें शुरू हुई थी बड़ी सी, शिवपाल मिश्रा जी रेलवे और उनका टेस्ट सभी लोगों को मिला के सब किया था, और सभी लोगों ने पूरे प्रदेश के क्या देश के सभी लोगों ने हड़तालें करो कबिया बड़े बड़े कार्यक्रम देना शुरू किया, तो दबाव पड़ा तो उन्होंने छोटा सा आदेश जारी कर दिया। तो हम समझते हैं कि इस पर मंथन चलना चाहिए, चल रहा होगा, और स्टेट अपना अपना काम करे, स्टेटों में भी दबाव रहना चाहिए बराबर, चुनाव के टाइम पे अगर इन्हें लगता है कि चुनाव का ये हमारा प्रदेशों में ये कर्मचारी का बड़ा बड़ा संपर्क है और बड़ा वोट बैंक है, तो दिखाया भी था पिछले इलेक्शन में, आपने देखा कि जब पिछला चुनाव विधानसभा का हुआ था तो हम लोगों ने उसको दिखाया था, 321 सीटों पर एक पार्टी बैलेट पेपर में जीती थी, बड़े बड़े अखबारों में और सभी का छपा भी था, और एक पार्टी हारी थी, तो ये दिखा हम लोगों ने वोट बैंक बनके भी दिखाया था, तो हम समझते हैं कि वोट बैंक भी है और हमारी बात सुनी जानी चाहिए, अगर हम लोग सहमत नहीं किसी बात पे तो हमारी बात सुनकर उसका रास्ता निकालना चाहिए था। हम तो उस पर सहमत है कि सरकार का एक भी पैसा नहीं लेंगे, हम हमारा जो पैसा है उसी से हमको निकाल कर दे दो, 50% वेतन पेंशन ले लेंगे। ठीक बात। जोशी साहब, आपको लगता है कि कृषि कानूनों की तरह कोई वक्त आएगा कि एनपीएस भी तिरोहित हो जाएगी और उसी का ओपीएस आ जाएगी, क्योंकि राजनीति तो विचित्रताओं का खेल है। जोशी जी, साहब जी, जो सरकार होती है उसकी मंशा क्या है ये देखा जाता है, आप भी जानते हैं कि कई प्रदेश सरकारों ने करी है, उसमें कुछ दिक्कतें हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपने कहा जब तक सेंटर का उसमें योगदान नहीं होगा तब तक वो अच्छे से लागू नहीं हो पाती, मैं आपके विषय को समझ गया, ये विषय बिल्कुल जायज विषय है, लेकिन उन्होंने इच्छा शक्ति तो दिखाई, आज सरकार को इच्छा शक्ति दिखाने की आवश्यकता है, और जैसे काले कानून आए थे किसी के उसमें वापिस किया, उसमें एक देखिए सरकारों का उद्देश्य क्या है, आखिर उद्देश्य तो ये है ना कि जनता का कैसे कल्याण हो, ये जो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एक कर्मचारी का बेटा हूँ, मेरे पिताजी अधिकारी रहे, मैं कर्मचारी का बेटा हूँ, मेरे को लगता है कि मेरे पिताजी की लाइफ लाइन अगर कुछ है तो उनकी पेंशन, क्योंकि आज के समय में सब अपनी लाइबिलिटीज में इतने बिजी होते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को भी उतना हेल्प नहीं कर सकते इकोनॉमिकली जितना हम चाहते हैं,
तो अगर उनकी लाइन में वो गड़बड़ होती, उनके पास पेंशन थी, वो तो पिताजी पुराने समय के थे, तो उनकी पेंशन है, मैं अपने घर में इस बात को महसूस करता हूँ। अमिताभ जी बहुत हार्ड की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा मैं, तो मैं महसूस करता हूँ कि जब मेरे पिताजी की जो मजबूती है वो पेंशन से है, क्योंकि वो अपने स्वावलंबन को जिंदा रख पाते हैं। तो ये सभी जितने कर्मचारी हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे वो है लोग बेटे हैं, तो इनको सबको मिलना चाहिए, क्योंकि स्वावलंबन से जीने का अधिकार ये देश की लोकतंत्र देता है आपको, संविधान। अवनीश जी, आज के सामाजिक दौर में बाप के पास पेंशन न हो, टीवी पे कोई माने न माने, लेकिन सच्चाई है, कौन उसकी पूछ करेगा? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं अमिताभ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात वो कहां से जाएगा भाई, 80 साल का हो जाएगा, चलेगा तो गिर पड़ेगा, कहां जाएगा वो, उसकी हड्डी टूट जाएगी तो इलाज कौन कराएगा? लड़का कहेगा क्यों बवाल कर लिया, पड़े रहो खाट पे। नहीं, सरकार 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड दे रही है, कोई भी किसी भी उसका हो, किसी भी इनकम ग्रुप का हो, तो जो इलाज वाली व्यवस्था है वो तो उधर है, जैसा विजय जी और फिर आप तो कह दोगे इलाज के लिए कार्ड दे रहे और बाकी 5 किलो राशन दे रहे, उसी में खाओ बनाओ। सुनिए तो, अरे सुनिए तो अमिताभ जी, सुनिए मुझे भी तो सुनिए जी। विजय जी और हरिकिशोर जी, मैं जो आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, निश्चित तौर पर मैं ये बात बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सरकार कर्मचारियों को मुद्दे पे या किसी भी मुद्दे पे पूरी तरह से संवेदनशीलता से विचार करती है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि एनपीएस और ओपीएस का जो मुद्दा है, एनपीएस का क्रियान्वयन ठीक तरीके से पुरानी सरकारों ने नहीं किया, इसीलिए इतना अनरेस्ट फैल गया। और निश्चित तौर पर अगर ये योजना किसी तरह से भी खराब होती, मैं विजय जी से बैठ के एक बार बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, लखनऊ में रहते हैं हमारे, हमारी आपकी बात हो जाएगी, हम लोग आप बैठ के और हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हर व्यक्ति खुश रहे, जैसे किसान के चेहरे पे भी मुस्कान आए तो कर्मचारी के चेहरे पे भी मुस्कान आए। सरकार इसलिए होती है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, तो अगर कहीं भी ऐसी कोई चीज आती है, 2005 का मुद्दा था, योगी जी ने निर्णय किया उस पे, 2005 के पहले के जो भी आपके विज्ञापन थे उस पे ओपीएस का निर्णय हुआ, तो ऐसी कोई भी विषमता कहीं भी आएगी तो सरकार खुले मन से कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत करके हर बात पे, कोई एडमेंट नहीं रहते, हम सब संवेदनशील लोग हैं और आपके बीच के ही लोग हैं, कहीं बाहर से कोई टपक के नहीं आ गया, तो सरकार संसाधनों के साथ, ऐसा भी ना हो कि कोई एक ऐसी योजना आ जाए कि कल को पूरा देश गड्ढे में चला जाए, तो पूरा देश गड्ढे में भी ना चला जाए, कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी गड्ढे में ना जाए, सब मिलके साथ साथ इस योजना को, इस सत्ता को आगे बढ़ाएं, इस देश को आगे बढ़ाएं, उसमें जिसके साथ जो भी खामियां आ रही होंगी, जिस व्यवस्था में जो खामियां आ रही होंगी, हम लोग मिलके सब दूर करेंगे उसको।